कि हैदराबाद में फंक्शनल लीग की रहनुमा सायरा नसीर कत्ल का मामला, 90 न्यूज ने सायरा नसीर की गाड़ी की सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली है। जी हाँ, आपको अहम खबर से आगाह करें, हैदराबाद में रहनुमा फंक्शनल लीग की गाड़ी को आग लगाई गई थी और इब्तदाई इतलात यही थी कि वो झुलस कर जाम भाग हुई, लेकिन बाद में इंकशाफात हुए कि हो सकता है उन्हें कत्ल किया गया हो। और इस वक्त आप सीसीटीवी फुटेज भी देख सकते हैं, इसी पर हम बात करेंगे। हैदराबाद से हमारे ब्यूरो चीफ हमीदुर रहमान है। हमीदुर रहमान, बताएगा कड़ियां कहां जाकर मिल रही, क्या ये वाकई कत्ल हुआ? जी बिल्कुल, पुलिस ने जो सीसीटीवी फुटेज वहां से हासिल की थी, 92 न्यूज को वो सीसीटीवी फुटेज मौसूल हो गई है। उसमें देखा जा सकता है सीसीटीवी फुटेज में कि सायरा नसीर की जो गाड़ी है उनकी रिहायशगाह है डिफेंस फेस 2 हैदराबाद में, वहां से 1:55 पर सायरा नसीर की गाड़ी जो है वो वहां से रवाना हुई है, जिसमें जो है वो पुलिस का कहना ये है कि स्याह पर्दे भी लगे हुए थे और गाड़ी वहां से रवाना हुई और फिर थोड़ी देर बाद गाड़ी को होसड़ी में जला दिया गया। मेरी इस हवाले से बात हुई है एसएसपी हैदराबाद से, तो उनका कहना यह है कि उन्हें पूरा इस बात पे यकीन हो गया है कि सायरा नसीर को पहले घर में कत्ल किया गया है और कत्ल करने के बाद रहमानी बताएगा जो सीसीटीवी फुटेज मौसूल हुई है उससे ये मालूम होता है कि आया ये गाड़ी जब सीसीटीवी कैमरा की आंख में आई तो ये गाड़ी क्या कोई और ड्राइव कर रहा था? जी बिल्कुल, ऐसा ही है कि सायरा नसीर, जिस तरह पुलिस ने यह कहा है कि सायरा नसीर को घर में कत्ल किया गया है, तो इसका मतलब यह है कि घर में कत्ल किया है तो कत्ल करने के बाद इनकी गाड़ी, इनकी जो लाश है उन्हें गाड़ी की पिछली सीटों पर रखा गया है, क्योंकि यह बात भी कंफर्म है कि सायरा नसीर की जो लाश है वो गाड़ी की पिछली सीटों पर पड़ी थी, जो पिछली सीटों पर से मिली है, तो इसका मतलब यह है कि गाड़ी कोई और ड्राइव कर रहा था, तो गाड़ी यहां से कोई और ड्राइव करके लेकर गया और होसड़ी के पास ले जाके जो है वो गाड़ी को आग लगाई और पुलिस को वहां से पेट्रोल की बोतल भी मिली है कि जिसकी मदद से गाड़ी को जलाया गया है। और जो घर में चीजें सामने आ रही है, जिस तरह खून के धब्बे मिले हैं, जो गैराज है जहां गाड़ी खड़ी होती है वहां से पुलिस को खून के निशानात मिले हैं, इसी तरह जो है वो उनके जो बेडरूम है वहां पर भी शीशा टूटा हुआ था और वहां पर भी खून के निशानात मिले हैं, तो पुलिस का कहना यह है कि खून इतना नहीं है लेकिन जाहिर ही होता है कि खून को भी जो है वो साफ करने की कोशिश की गई है और वहां कत्ल करने के बाद, तो यही अब पुलिस जानिब से कहा जा रहा है कि पहले इनको घर में उनको कत्ल किया गया, बाद में गाड़ी में लाश लेके जाकर गाड़ी को जो है वो आग लगाई गई। हमीदुर रहमान, बहुत शुक्रिया अपडेट्स के लिए।